आज जो है यहाँ पे 2024 का हज का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। जो खाना काबा का भी जो गिलाफ है ना, उसके ऊपर ही इनकी जो है खत होता है। आइंदा जो है आपको इस तरह के रोबोट लगेज लेके चलेंगे, इस तरह आपको मिलेंगे एयरपोर्ट के ऊपर। ये जो आप शाहकार देख रहे हैं 2024 हज में, जो इस मरतबा जो एक नई चीज़ सबसे पहले आने वाली है, ये आपको खुद ब खुद जो है लेके जाएगी। तवाफ़ करना है, सही करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं मौजूद हूं इस वक्त जद्दा का जो सुपर डोम है वहाँ पर, उसकी पार्किंग में। आज जो है यहाँ पे 2024 का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, और वो है 2024 हज का। तो आइए इस हज में जो है कौन कौन सी सहूलियात होंगी हुज्जाज किराम के लिए, और क्या क्या नई चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और क्या अंदर हो रहा है वो सब जो है आपको दिखाते हैं। तो जी भाई, इस वक्त जो है हम सुपर डोम के अंदर आ चुके हैं, और आप जैसा कि माहौल देख रहे हैं, इस तरफ हर तरफ जो है आपको स्टॉल ही स्टॉल नज़र आएंगे, जो कि मुख्तलिफ जो लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि हरमैन शरीफ़ैन के हवाले से खदमात अंजाम देती हैं और सर्विसेज देती हैं हुजाज इकराम के लिए, सहूलियात पैदा करने के लिए सामान जो है वो मुहैया करती हैं, वो सारे मौजूद हैं। क्या लॉजिस्टिक, क्या जो है होटल, क्या जो है कैटरिंग, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ ही जो है यहाँ पे एक पूरा जो है अलग-अलग पोर्शन बना हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट के जो आपको सहूलियात दी जाती हैं हज के दौरान, मतलब उसमें जो है जो हिलाल अल अहमर है, जो पुलिस है, जो सिविल डिफेंस है, वगैरह वगैरह, सब कुछ जो है मिला के यहाँ पे हर तरफ मौजूद है। तो आइए चलती हैं, आप सब से जो है मिल के ही विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है क्या क्या मौजूद है। आइए मेरे साथ। अच्छा, जिस तरह आप चलते जाएँगे, आपको हर तरफ जो है ज़ियाफ़त और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, वो आपको मिलेंगे, और जो भी आपको सर्विस चाहिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं, हर कंपनी जो है आपको अपना बताएगी। इसी तरह जो है आपको हय्यल आमा लिलअनाया बिशऊन अलमस्जिद अलहराम अलमस्जिद अन्नबवी, उनका भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। आप इनके हवाले से भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप आगे चलते जाएँ, वज़ारत शऊन इस्लामिया व दावा व इरशाद, और इस तरफ जो है आपको बहुत से जो लोकल कंपनीज़ हैं जो कि सर्विस देती हैं आउटसाइड जो कंपनीज़ हैं उनको, वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सेंटर की तरफ चले जाते हैं तो फैमिलीज़ भी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आई हुई हैं हर तरफ से माशाल्लाह, और ये एक फैमिली इवेंट भी आप कह सकते हैं। और इस तरह जो है ज़्यादातर बेसिक तो बिज़नेस ही है, लेकिन फैमिलीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा आती हैं, और अंदर ही रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो है वहाँ पर बने हुए हैं। और इस तरफ अगर आप देखें, अलहय अलमलकिया लिमदीनत मक्कत अलमुकर्रमा वलमशाएर अलमुक़द्दसा, ये डायरेक्ट जो है किंग साहब के नीचे है, जो हरमैन शरीफ़ैन के शऊन है उनको देखने के लिए जो कमेटी है, ये उसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है, मौजूद है। और ये सेंटर में जो है वज़ारत अल हज वल उमरा का, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं उनका जो मेन, अल्लाह आपका भला करे, जो स्टॉल है वो यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। ये जो रुअल मदीना अल काबिदा है, मदीना में जो नई कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है सारे, उनका यहाँ पे आप स्टॉल देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत बनाया हुआ है। बेसिकली ये एक स्क्रीन है, मैं अंदर सेंटर में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये काम कर रही है। बिल्कुल, मैं अब इसके सेंटर में आ चुका हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे आप देखें चारों तरफ से जो है एक ही स्क्रीन जो है माशाल्लाह लगी हुई है, क्या बात, ज़बरदस्त। कुछ ही मिनट्स में जो है यहाँ पर जो हज के हवाले से अनाउंसमेंट है वो 2024 वो सारी जो है यहाँ से होनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे माशाल्लाह आ चुके हैं। जी भाई, टेक्नोलॉजी को आगे जो है जो विज़न है 2030 किस तरह इस्तेमाल करना है, उसमें से एक नज़र आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। आइंदा जो है आपको इस तरह के रोबोट जो लगेज मतलब आपके लेके चलेंगे, इस तरह आपको मिलेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, बस आपने जो है इसको एप्लीकेशन के साथ जो है यूज़ करना है, और ये आपके पीछे पीछे जो है चलती जाएगी। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इन्होंने जो है इस पूरी मशीन के ऊपर बैग लगाया हुआ है, और आप जितने भी लगेज हों उसके ऊपर रख दें और ये सारे जो है चलते जाएंगे। देखें, ये खुद चलना शुरू हो गई है अभी, या सलाम। ये जो राज्य के इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, जामे जो आयशा राजही भी है मक्का में, आप सब जानते हैं बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, उसके साथ जो सारे होटल्स वगैरह हैं ये आप उनके नक्शे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो अक्सर जो बसेस कंपनीज़ हैं उनके जो है सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जो लॉजिस्टिक सर्विस ज़्यादातर देती हैं बसों की। और इस तरफ अगर आप देखें तो चार मुल्कों के इकट्ठा एक ही स्टॉल है, सिंगापुर, मलेशिया, गाम्बिया एंड जनूब अफ्रीका। 2024 हज में जो इस मरतबा जो एक नई चीज़ सबसे पहले आने वाली है वो आपको ज़ुबैर रियाज भाई दिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको पुरानी दिखाता हूँ, इधर मत दिखाएं, अब ऐसे आ जाएँ, शाबाश।
ये जो आप देख रहे हैं ये है पुराने ज़माने की, जिसका कपड़े का नाम है अल अरब अल फाखिरा। ये आप लोग देखते हैं मताफ में और मसा में जो है ये दो बंदों के हवाले से है, जिसको आप खुद ड्राइव करके लेके जाते हैं और ये आप तवाफ़ करते हैं या सही करते हैं। अब जो है क्या आने वाला है, ये जो गोल्फ़ कार आप देख रहे हैं बेसिकली ये तो मीना अराफात वगैरह में यूज़ होगी हज 2024 में। लेकिन एक और जो ज़बरदस्त चीज़ है जो कि इस साल फर्स्ट टाइम होने वाली है, जो कि आज से पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, वो है ये चीज़। ये जो आप शाहकार देख रहे हैं ये सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर और यहाँ पर जो है आपका जो हैंड कैरी है वो भी मौजूद है, ऊपर भी आपको सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है इसको ऐसे हटाएं, इस पर जो है आपने ऐसे बैठ जाना है और ये इसको आप जहाँ पे कहेंगे ये आपको खुद ब खुद जो है लेके जाएगी। तवाफ़ करना है, सही करनी है, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी ये वाली मशीन जो है मौजूद होगी इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में। अभी यहाँ से जो है ये लॉन्च कर रहे हैं अरब अल फाखिरा। मेरे ख़्याल से मुझे यकीन नहीं हो रहा जब तक हम इसका जो है तजुर्बा नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक जो है मज़ा नहीं आएगा। तो आइए यहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस करके दिखाते हैं। आइए बिस्मिल्लाह चलें भाई। अब मैं पहला बंदा हूँ जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, लेट्स सी कि या तो आर या फिर पार। बिस्मिल्लाह तवक्कल अलल्लाह। यल्ला ऑटो मोड खलास मजबूत, इसको ऑटो पे लगा दिया है। अब जहाँ पे कोई बंदा आगे आएगा या कोई भी चीज़ आएगी इसके सेंसर खुद काम करेंगे और ये रुक जाएगी। देखें भाई साहब जो कैमरा मैन, भाई आगे से हट यार, आगे से हट। तो ये आप देखें माशाल्लाह किस तरह जो है ये चल रही है, बिल्कुल ऑटो, फुली ऑटो, तफ़द्दल तफ़द्दल, फुली जो है ऑटो चल रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो लेफ़्ट राइट हो रही है, ज़ाहिर बात है जब तवाफ़ में होगी ना तो इनके लिए एक ख़ासूसी लाइनें जो है बनाई जाएंगी हज के दौरान, हो सकता है इस हज में हो या नेक्स्ट जो 2030 विजन है उसके लिए इस्तेमाल हो। माशाल्लाह ओके, हमारे कैमरा मैन साहब जो है बार बार आगे आके इसको रोक रहे हैं, बैक से बनाए वीडियो ज़रा ताकि लोग फ्रंट से देखें किस तरह जा रही है ये। माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप बिल्कुल स्मूथली, मैं कुछ ड्राइव नहीं कर रहा इसको, बेसिकली उन्होंने एक जो है लाइन खींच दी है इसके प्रोग्राम के ऊपर और ये उसी के ऊपर जो है चलती हुई जा रही है। ठीक है, अब इसको अगर हमने मैन्युअली भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब ये जो है इधर देखें, दीवार दिखाएं इसको, या सलाम, देख रहे हैं कितने फासले पर जो है ये रुक गई है यहाँ से। ओके सो हाउ कैन वी मेक इट मैन्युअली, मिले ना, ओके ओके या सलाम। अच्छा इसमें दो तीन ऑप्शन है, आप इसको मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैं करने लगा हूँ, लेकिन सेमी ऑटो सिस्टम है इसमें, जिसमें अगर कुछ आगे आ जाएगा और आपने ब्रेक नहीं लगाई तो उसको भी ये कंट्रोल कर सकती है। ओके नाउ यू कम इन एंड ट्राई टू हिट मी, आई विल हिट यू, नो इंश्योरेंस है। ओके इसको अभी लगाना है गाड़ी, नो देखा रुक गई है, ये देखें इधर से इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आगे मैंने गियर किया हुआ लेकिन नहीं जा रही, स्टॉप माशाल्लाह या सलाम। ओके ओके अब चलते चलते हैं हम इसको, अभी हम मोड़ते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे, भाई साहब आ गए हैं, नहीं जाएगी, ये देख रहे हैं, ये देखें या सलाम। ओके क्या बात है, अब इसको थोड़ा मैं भगाता हूँ, कोई भी आएगा ये सामने, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं तो मैंने गाड़ी मोड़ ली है थोड़ी सी, तो ये भी एक ऑप्शन है, बहुत ईजी है, जस्ट आप इसको ऐसे स्टॉप करेंगे स्टॉप हो जाएगी। फदल ये आप चल रही है ना, चल नहीं जा रही है, इसको जस्ट अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और आगे कोई आएगा या कोई भी गलत चीज़ आएगी तो सेंसर इसके खुद काम करेंगे और ये रुक जाएगी। माशाल्लाह ये है विजन 2030 का एक बहुत, ये तो उसका बहुत ना गिनने वाला हिस्सा है, मतलब हाजियों की खिदमत के लिए नई नई चीज़ें को जो है यहाँ पर ईजाद हो रही है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अल अरब अल फाखिरा या सलाम पिपी महताज भाई, ऐसी चीज़ों के लिए जो है ना बनता है या सलाम। ख्याल सर जी, पार्किंग करें सर, पार्किंग करें, आपका चलान कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं भाई, चलान हो रहा है यहाँ पे क्या खरिया से। अच्छा ये जो भी आपने अभी देखा ना, ये जो व्हील चेयर है ऑटोमेटिक जो काम कर रही थी, बेसिकली तवाफ़ पर जो है इनके लिए एक पूरा खसूसी जो है ट्रैक बनाया जाएगा, तो वहाँ पे ये जो लेफ़्ट राइट और जो बार बार स्टॉप है ये इश्यूज़ नहीं होंगे और ये बिल्कुल स्मूथली जो है आपको सारा तवाफ़ करेगी। अच्छा भाई ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे एक नई सर्विस जो है सऊदी सिविल एविएशन ने शुरू की है, जो कि है ट्रैवलर विदाउट लगेज। अब इस साल हज में होगा क्या कि ये सर्विस दे रहे हैं कि मैक्सिमम आपकी फ़्लाइट से 48 घंटे पहले और फ़्लाइट से जो है मिनिमम 12 घंटे पहले जो है
آپ اپنا سامان ان کو دیں گے گروپس کی شکل میں، یہ آئیں گے آپ کے ہوٹل سے آپ کا لگیج لے کے جائیں گے اور آپ کے لیے جو ہے شپ کر دیں گے، اور پھر یہ آپ کو اپنی کنٹری میں ملے گا۔ اسی طرح جو ہے جو سعودی عرب کے داخلی جو مقصد ہے کہ جو داخلی مسافرین ہیں، ڈومیسٹک جو فلائٹس ہوں گی، اس میں آپ کا سامان آپ کے گھر سے لے کر جو آپ کا ہوٹل بکنگ ہوگی وہاں تک آپ سے مطلب ہے کہ پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک نئی سروس جو ہے انہوں نے اس وقت شروع کی ہے جو کہ بہت ہی بہترین ہے۔ ان کا یہ ای میل ہے، آپ ان کو یہاں اس ای میل کے اوپر کر کے یہ سروس جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں جو کہ حج 2024 سے شروع ہونے والی ہے۔ تو ونس اگین یا سلام، السلام علیکم، اللہ عزت خیر، اللہ حبیب، اللہ سے۔ اچھا یہ جو گزرے ہیں بڑے ٹاپ کے اینکر ہیں یہاں پہ سعودی عرب کے لوکل، محمد المدیفر نام ہے، اکثر جو پرنس محمد بن سلمان کے انٹرویو ہوتے ہیں یہی صاحب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا یا سلام، کیا حال ہے، خیریت یا سلام، او شکراً یا سلام۔ یہ بھائی مارکیٹنگ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہو رہی ہے ان کی، ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ جی اس وقت جو ہے ہم موجود ہیں جو خانہ کعبہ کے خطاط ہیں، ان سے اپنا نام لکھوائیں گے جو کہ اپنے خط سے لکھتے ہیں ہاتھ سے، زبیر ریاض۔ زبیر ریاض نام شیخ صاحب جو ہے، جو خانہ کعبہ کا بھی جو غلاف ہے نا اس کے اوپر ہی ان کی جو ہے مطلب خط ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی زبیر ریاض لکھ رہے ہیں، آئیں ذرا دکھائیں پلیز یہاں پہ، یا سلام، ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی یہ جو ہے زبیر ریاض لکھا ہوا ہے ان مبارک ہاتھوں سے جو کہ خانہ کعبہ کی جو غلاف ہے اس کے اوپر بھی لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں پہ شیخ صاحب موجود ہیں، آئیے آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتے ہیں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی عود ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور اس طرف جو ہے غلاف کعبہ بھی رکھا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے۔ یہ جو دھاگوں کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلے یہ شیخ صاحب جو ہے ان کی مطلب ڈیزائننگ کرتے ہیں اسی طرح۔ اور یہ جو برتن ہیں جن سے خانہ کعبہ کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے، یہ برتن بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے، یا سلام۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ممبر جو ہے مسجد الحرام کا، اس کا ماڈل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ساتھ یہ جو خانہ کعبہ کی جو چابیاں ہوتی تھیں ہر زمانے کے ساتھ ساتھ، وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اور اس طرف حجر مقام ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ان کی جو پاؤں مبارک ہیں، ان کا ماڈل جو ہے یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمیں ملاقات ہوئی تھی ہماری ایک اینکر سے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر حج ہیں توفیق الربیعہ، دکتور توفیق الربیعہ، اس کا انٹرویو کون کر رہے ہیں، لیٹس می شو یو۔ یہ ابھی اس وقت لائیو چل رہا ہے، اندر جو ہے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اینکر جو ہے عبداللہ المدیفر اس وقت وہی چیئر کر رہے ہیں پورے جو حج کے انٹرویو دینے کے لیے، جو مختلف وزارتیں ہیں، امن اور سلامت کی بھی ہے اور جو باقی وزارتیں ہیں، وزارت مالیہ، وزارت حج، سارے جو ہے یہاں پہ موجود ہیں۔ جو ابھی اینکر ملے تھے ہمیں، عبداللہ المدیفر ہے، میں نے محمد بولا تھا، پیچھے نام غلط بتا دیا تھا۔ آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے، کیا اس کے لیے ریڈی ہیں؟ آئیے، تو حج 2024 کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایز یوزول ماشاء اللہ 2010 سے میں تقریباً عبدالرؤف بھائی کے ساتھ جیسے کام کر رہا ہوں، تھینک یو سو مچ۔ لاسٹ ایئر جو ہے الحمد للہ آپ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کتنی وی آئی پی اور اچھی سروس دی ہوئی تھی شارٹ اینڈ ایزی حج اینڈ عمرہ نے، اور اس سال بھی انشاءاللہ ہم پھر سے جو ہے عبدالرؤف بھائی کے ساتھ حج کریں گے۔ اوورسیز جو پاکستانی ہیں، جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، یورپ، فرانس، جدھر بھی رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، آسٹریلیا سے، جنوب افریقہ سے، وہ ضرور جو ہے آ سکتے ہیں۔ آپ کو موبائل نمبر سامنے شو ہو رہا ہوگا ٹیم کا، رابطہ کریں۔ عبدالرؤف بھائی پلیز کچھ آپ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس سال کس طرح جو ہے ترتیبات جانے والی ہے۔ سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہتا ہوں، آپ یہاں پہ کانفرنس میں تشریف لائے، کنونشن میں ہمارے پاس بھی تشریف لائے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ شارٹ ہے ڈاٹ کام بائی سراجیہ گروپ، گروپ الحمدللہ تقریباً 20 ایئرس سے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور ہر سال الحمدللہ امپروو کیا ہے، اور پچھلے سال آپ نے دیکھا، آپ نے کور کیا الحمدللہ جس طرح کی سروسز تھیں، اور سر میں تو 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر سال امپروومنٹ، ہر سال امپروومنٹ ہو رہی ہے۔ اس سال تو آپ نے جو ثابت بکرے بھی کھلائے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے، حجاج کی خدمت ہے نا بیسیکلی۔ اچھا کھانا ملنا، اے سی جو ہے روم ملنا، جو ٹینٹس تھے منا میں، اس طرح عرفات میں واش روموں کی جو پرائیویٹ سہولت تھی کہ ہر خیمے کے اپنے واش روم ساتھ تھے، اس سے تو حجاج کرام کی سہولت ہے الحمدللہ۔ اور اس سال اللہ تعالیٰ نے فضل یہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تقریباً امریکہ سے جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ تقریباً 150 to 200 تھے، ماشاء اللہ، اور ابھی ہمارا الحمدللہ وہاں پہ روڈ شو بھی ہوا ہے، اور بہت مجھے آپ نے دعوت بہت لیٹ دی، آپ کو دعوت دی، لیکن آپ اسی وجہ سے وہاں پہ ہم ماسک کنونشن میں تھے،
तो इंशाल्लाह इस साल भी खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हम ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें नुस्ख के ड्रॉ का वेट करने की जरूरत नहीं है, और अभी दिस इज द राइट टाइम टू बुक एंड टू प्रोसीड। और हमारा आपको पता है कि एक लिमिटेड कोटा होता है, तो उसमें वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हम वो कर सकते हैं। अच्छा, एक जो लोकल है यहाँ पे अहले मदीना मक्का जद्दा, उनके लिए भी खुशखबरी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। किधर गए? ये वाला ये आप ही बताएं हजरत कि क्या खुशखबरी है। आप जो है फ्री उमरा जो है जीत सकते हैं सराजिया के साथ। जस्ट आएँ, अपनी जो है इन्फॉर्मेशन दें यहाँ पे। अगर आप उमरे पर भी आए हुए हैं तो आप जद्दा सुपर डोम में आएँ और इनका जो है अपना ये फॉर्म फिल करें, और आप उमरा एक फ्री जो है जीत सकते हैं। ऐसा ही है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। और हजरत इस साल जो है वही मक्तब नंबर वन ही होगा करीब इस साल। जोन बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हज ने, तो इंशाल्लाह हम जोन वन में इंशाल्लाह होंगे, और कैटेगरी ए की सर्विसेज होंगी माशाल्लाह, वीआईपी सर्विसेज होंगी अल्लाह ने चाहा। और आपको पता है कि हम हमारे ज्यादा पैकेजेस नॉन अजीजिया होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो वो फाइव स्टार होटल्स में आप स्टे कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि जो हमारा सेटिस्फाइड क्लाइंट बेस है उसके रेफरेंस से हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो बुकिंग्स आ रही हैं। भाइयों और बहनों, जिसने भी इस साल 2024 का हज करने की नीयत की है ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी तौर पर, जितना जल्दी हो सके, जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिटेड जो है सीट्स होती हैं हज के लिए, तो आप नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा सराजिया ग्रुप का, आप रابطہ करें और इंशाल्लाह हज में मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान से बूथ के हवाले से रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हमारी है, सिर्फ सराजिया ग्रुप की है। क्या ही आपको कुछ दिखाता हूँ, आप भी साथ आ जाए, आपके साथ आ जाए भाई। साथ ही यहाँ पे बैक साइड पे हेयर क्लब लाहौर से वो भी तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ पे, जिनसे जो है हमने भी अपनी खेती उगवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिजल्ट आना शुरू हो चुका है अपना। अजहर भाई कब तक? जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, और सब करिए अल्लाह का शुक्र। कब तक ये खेती फुल हो जाएगी? फुल रिजल्ट आएगा सवा साल से डेढ़ साल। आपके बाल बारीक हैं, अच्छा, दैट इज लिटिल सी थ्रू, ओके, तो इसमें बेहतर तो ये होगा कि एक और सेशन करके इसकी डेट ठीक है, ओके, लेकिन ट्रीटमेंट साथ रेगुलर रखें, ओके। भाई ये जो ट्रीटमेंट हुई थी इसका भी व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, कब आना चाहिए आप लोग खुद बताएं। व्लॉग रेडी है कि कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ, 12-15 घंटे डॉक्टर अजहर साहब ने जो है हमें लिटा दिया। डॉक्टर नासिर रशीद साहब जो हैं अभी मदीना में हैं, इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही दिखाएं जैसे अजहर भाई हमारे साथ आपको दिख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ द लक। मेरी रिकमेंडेशन है 100% है, क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, इसी तरह shorthajj.com जो है उनके साथ मैं 2010 से 2018 तक मैं अब्दुलरऊफ भाई को मदीना में सर्विस देता रहा हूँ। फिर उस वक्त हम रिटायर हो गए थे, अब दोबारा इन हो गए हैं इस काम में। आप ऑल टाइम इन हैं, एवरग्रीन हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। वेलकम बैक टू द व्लॉग। इस वक्त जो है वापसी मदीना के लिए अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं, बहुत पहले से निकल चुके हैं, रास्ते में सास्को पे इस वक्त पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई सुबह से कैसे है, मदीना से भी आए, जद्दा में भी कुछ खाना छाना नहीं दिखाया, तो खाने का टाइम बेसिकली अभी मिला है। सारा दिन जो है बिज़ी थे, मीटिंग्स वगैरह थी, फिर बाद में जो है वहाँ पे हज वगैरह के लिए जो एग्जीबिशन आपको दिखाया उधर लेके गए। वहाँ से याद आया मुझे उमरा के हवाले से जो हमारा फरवरी का ग्रुप आ रहा है यूके से, इंशाअल्लाह वो जो है तकरीबन लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं, उसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। जो दो साहबाब मज़ीद जो है ख्वाहिश रखते हैं साथ में सफ़र करने की, तो उमरा का जो ग्रुप यूके से आ रहा है फरवरी में, जो कि 8 से लेकर 18 तक, जिसके साथ उमरा जो है मैं ख़ुद साथ करूँगा इंशाल्लाह, और साथ ही जो है अल्लाह आपका भला करे बाकी जो ज्यारतें वगैरह है वो भी मैंने साथ में ख़ुद करवानी है। तो उसमें अगर आप शरीक होना चाहते हैं तो जल्दी से जो है ये सामने इलियास भाई से साथ जो रबता करके इन एक दो दिन में फ़ाइनलाइज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है टिकट वगैरह इशूज़ हो जानी है और बाकी तरतीबात जो है वो फ़ाइनल हो जानी है, तो उसके बाद जो है गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आइए ज़रा जो है अलबेग को जो है टेस्ट करते हैं, बहुत सख्त किस्म की भूख लगी हुई है, हमने खजूर वगैरह से सुबह गुजारा कर लिया था, लेकिन अब जो है सही खाने का टाइम आया है। अच्छा भाई, शवरमा लिया है अलबेग से एक, और एक खुफिया चीज़ है वो बाद में दिखाएंगे। यार सुबह से कुछ नहीं खाया आज, खजूर खाई थी थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब शवरमा जो है ज़रा ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर बीच में आप देखें गार्लिक है और फ्राइड चिप्स हैं, साथ में जो है ये तुर्शी है और साथ में चिकन है। या सलाम, ये
بھائی اب باری ہے اس خفیہ چیز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دکھانے سے پہلے اگر کوئی بتا دے کہ کیا ہے تو اس کے لیے انعام ہے. ٹھیک ہے, انعام میں آخر میں بتاؤں گا ویڈیو کے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, چلو ابھی تک بتا دیں کیا ہے میرے بتانے سے پہلے. یہ سوس لازم آنے چاہیے بھائی جان. بھائی یہ ہے میرے پسندیدہ شرمپ البیک کے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ایسے اس کو ڈبوئیں. ابھی ٹرائی کریں, جب بہت سخت بھوک لگی ہو نا پھر آپ کو مزہ کریں گے انشاءاللہ. جی ویلکم بیک ٹو دی ولاگ. وزیر حج کا جو کل خطاب تھا اس میں جو کچھ مین مین پوائنٹس ہیں وہ میں ذرا آپ سب کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے اس حج کی تیاری جو ہے 12 ذی الحج سے ہی شروع کرنی کر دی تھی, جبکہ حجاج کرام جو ہے پچھلا حج کر کے واپس اپنے مطلب ہے کہ ملکوں کی طرف جانا شروع ہوئے. تو اس میں انہوں نے جو بتایا کہ اس سال جو ہے حج کے دوران ہم نے 14,000 نئے واش روم جو ہے وہ بنائے ہیں تاکہ حجاج کرام کی جو ہے وہ سہولت کے لیے میسر ہوں المشاعر المقدسہ میں, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. اور اسی طرح جو ہے 1.5 لاکھ جو ہے نئے اے سی بھی لگائے گئے ہیں گرمی وغیرہ کے بچاؤ کے لیے حجاج کرام کی سہولت کے لیے حج کے دوران. اور اسی طرح جو ہے 8 ملکوں سے پچھلے سال جو ہے 6,17,000 حاجیوں کی جو امیگریشن ہے وہ ان کے اپنے ملکوں میں ہی ہوئی تھی, جس کو بولتے ہیں طریق مکہ, اس کے تھرو. اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے ایک نیا نمبر جو ہے وہ ایشو کیا ہے 1966, جو کہ معتمرین کے لیے ہے, مطلب ایک ون کال کے اوپر ہے. آپ کو کوئی بھی ایشو ہے عمرے کے حوالے سے یہاں پہ سعودی عرب میں آ کے کسی بھی قسم کا, تو آپ 1966 پہ کال کر کے اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں وزارت حج کے پاس. اور تاریخ میں سب سے زیادہ جو زوار کرام عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اس سال آئے ہیں, جن کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 13 ملین جو ہے زوار کرام آئے ہیں عمرے کے ویزے پر, جو کہ اس سے پہلے جو ہے جو سب سے بڑی تعداد تھی وہ 8 ملین زوار کی تھی. تو 13 ملین جو ہے بگ نمبر ماشاء اللہ تبارک الرحمن, اور الحمدللہ آسانی سے جو ہے سارے جو تسہیلات ہیں وہ بھی ہو گئیں بغیر کسی بڑے حادثے کے, اللہ کا شکر ہے. اور اسی طرح پچھلے سال حج میں جو ہے ٹوٹلی 20 کمپنیاں جو تھیں جو مینیج کر رہی تھیں مطلب منا عرفات مزدلفہ میں, اس سال جو ہے 20 سے بڑھ کر 35 ہو گئی ہیں. اور یہ جو آپ نے کل دیکھا جس میں افتتاح ہوا پرنس جو ہے نائب امیر مکہ کے پرنس سعود نے, انہوں نے افتتاح کیا تھا, اس میں جو ہے 80 ملکوں کے جو سفیر وغیرہ تھے کل وہاں پہ وہ شریک تھے. تو الحمدللہ یہ تھا ایک اوور آل, آپ نے وہاں کی انوائرمنٹ بھی دیکھی اور حج کے حوالے سے جو وزیر حج کا خطاب تھا اس کے جو مین پوائنٹ جو مجھے لگے وہ یہ تھے. تو میری آپ سے گزارش ہے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.